महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भागरा परिवार द्वारा मकसूदा वाल्मीकि मंदिर में हवन, पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति को भी स्थापित किया गया। इस संबंधी तरसेम लाल भागरा व सीनियर एक्सीएन वेस्ट डिवीजन पावर कॉम सनी भागरा ने बताया कि वाल्मीकि जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मीकि जी ने समाज को सत्य के मार्ग पर चलने तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के उच्च आदर्शों से परिचित करवाया। हम सबको उनकी बताई शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। इस मौके पर विशेष तौर पर पश्चिम मंडल मकसूदा पावर कॉम से एसडीओ बलकार चंद, एसडीओ प्रदीप सैनी, सुपरिंटेंडेंट संदीप महाजन, जेई हरिदास, जेई ओंकार सिंह, सीनियर सेकेंडरी स्कूल करतारपुर से मंगत राम, सतनाम राम, कपिलेश जेठी सहित सुदेश रानी, मनीषा भागरा, सुनील भागरा, अनुराधा भागरा, सविता सहोता, पूनम गिल, अनीता भट्टी भी मौजूद रहीं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज महर्षि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि महाराज जी का जन्म दिहाड़ा सारे ही संसार विच बड़ी धूमधाम से खुशी नाल मनाया जा रहा है। उत्थे ही आज वाल्मीकि मंदिर मकसूदा विखे हर साल की तरह इस साल भी मास्टर श्री तरसेम लाल भागरा अते संपूर्ण भागरा परिवार वालों वाल्मीकि महाराज जी दे वाल्मीकि मंदिर मकसूदा विखे उन्हां दी कृपा अधीन, उन्हां दी छत छाया अधीन एक लंगर की सेवा की गई है, जिस दे विच कि समूह पिंड वासियां ने बहुत ही हुमा के और शमूरीयत की है। इस दे नाल ही साढ़े पावर कारपोरेशन वैसट डिवीजन मकसूदा दे समूह स्टाफ ते पटेल चौंक सब डिवीजन दा खास तौर पर आए स्टाफ दा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। ते नाल ही मैं जलंधर वासियां नूं, शहर वासियां नूं ते संपूर्ण विश्व ते संसार जिथे जिथे तक महाराज की जोत जिहड़ी है उह जोत दा विस्तार चल रहा है उत्थे सारे ही समाज नूं मैं बहुत बहुत वधाइयां दिंदा। ते नाल ही इह अरदास करदा हाँ सृष्टिकर्ता वाल्मीकि महाराज जी के चरणों में कि महाराज अपना प्रेम भरिया हथ इसे तरीके नाल पूरे विश्व ते संसार उत्ते ते भारत ते ते भारतवासियों के उत्ते अपना प्रेम भरिया हथ रखन ते समूह संगत नूं इन्नी समर्था बख्शन कि असी वाल्मीकि महाराज की सिख्यावां नूं अपने जीवन में अपनाते हुए समाज ते विश्व के कल्याण में बढ़ चढ़ के योगदान देईए। एक बार फिर मैं समूह जलंधर वासियां नूं, शहर वासियां नूं ते पंजाब वासियां नूं, देश वासियां नूं इस अवसर ते जन्म दिहाड़े ते महाराज वाल्मीकि महाराज दी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि महाराज दे जन्म दिहाड़े ते लख लख वधाइयां दिंदा जी। बहुत ही पावन दिवस सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी दे प्रगट दिवस दे उपलक्ष दे उत्ते अज भगवान वाल्मीकि मंदिर मकसूदा दे विच हर साल दी तरह भागरा परिवार वल्लों जिहड़ा लंगर जिहड़ा आ वो लगाया गया आ। इस उपलक्ष्य दे विच सारे ही पिंड वासियां ने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया आ और इस मौके पर मैं यही कहना चाहुंदा आ कि सारे जो भी साडी शिक्षावां साडे वाल्मीकि भगवान जी ने सानूं दित्तियां ने उन्हां सारिआं दा असीं प्रसार करिए और एक समाज नूं एक वधिया समाज बनाइए जिहदे विच सारे एक दूजे दे विच कोऑपरेशन दे नाल मिल के रहन और जिहड़ी जो भी अजकल चल रहा जिहदा नशे आ नशियां दीआं बुराइयां तो जिन्ना भी नौजवान पीढ़ी आ उन्हूं यही असीं संदेश देना चाहुंदे आ कि नशियां तो दूर होण और ज़्यादा तो ज़्यादा एजुकेशन नूं जिहड़ा आ प्रमोट किया जाए। और मैं खुद लैक्चरर इंग्लिश दा गौरमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल करतारपुर तो आए सारे मेरे स्टाफ मैंबरज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा आ और सारे जलंधर वासियां नूं वाल्मीकि जी दे जन्म दिवस दीआं बहुत बहुत बधाइयां दिंदे आ। थैंक यू जी। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि जी। अज महर्षि वाल्मीकि जी के
जन्म दिहाड़े दियां मैं सारियां ही संगतां नूं लख लख मुबारकां दिंदा हां। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। भगवान वाल्मीकि मंदिर रामबाग दीपनगर जालंधर छावनी की ओर से भगवान वाल्मीकि जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में मंदिर प्रांगण में से शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा कर भगवान वाल्मीकि जी की महिमा का गुणगान करते हुए वापस मंदिर प्रांगण में आकर संपन्न हुई। इस दौरान भक्तों ने जगह जगह पर लंगर लगाकर और पुष्प वर्षा कर इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रसिद्ध समाज सेवक एवं आप नेता अजय कुमार बीवल ने शोभा यात्रा में शामिल होने वाले सभी भक्तों का स्वागत कर उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रधान किशन लाल सोहता, गुलजार नाहर, अशोक मोहमा, रमेश कुमार रहेला, बलदेव राज अटवाल, जगदीश गाची, सरोज नाहर, एडवोकेट सूरज, विनोद सोहता, अरुण कुमार सरवटे, मंगत राम, अशोक कुमार, करण, कमलेश खोसला, विजय कुमार मोहमा और ओम प्रकाश सारंगल भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। रामबाग मंदिर वार्मिक कमेटी की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी ये जो शोभा यात्रा है वार्मिक मंदिर से आरम्भ हुई है और सभी कॉलोनियों से होकर रामबाग मंदिर में ही समाप्त होगी। सो मैं सभी वार्मिक भगवान भक्तों से निवेदन करूंगा कि जब वार्मिक भगवान जी की पालकी आपकी कॉलोनी में आए तो वाल्मीकि भगवान जी की पालकी का फूलों से स्वागत कीजिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बहुत वाल्मीकि भगवान की जय। वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। दीपनगर वासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जिस बहन भाई ने लंगर लगाए हैं और फूलों की वर्षा की है और भी जिन बहन भाइयों ने हमारा सहयोग दिया है, दिल की गहराइयों से दूसरी बार धन्यवाद करता हूँ। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। मोहिंदर पाल शूर की धर्मपत्नी शोभा शूर का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया था। स्वर्गीय शोभा शूर की आत्मिक शांति हेतु रखा गया रस्म उठाला श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन में संपन्न हुआ। इस मौके पर पंडित सोमनाथ पाठक ने पाठ पढ़कर स्वर्गीय शोभा शूर की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, राणा शूर, एमपी सिंह, गौरव महे, प्रोफेसर विपन जांझी, कुकी बहल, सौरभ खुल्लर, बॉबी सहगल, शांत गुप्ता, डॉक्टर पवन गुप्ता, आत्म प्रकाश सिंह बबलू, बलबीर जैन, रुपिंदर गिल, एसपी अरोड़ा, करण दुग्गल, विजय खुल्लर, शरद अग्रवाल, कुणाल अग्रवाल, सचिन मानिक, चंद्रशूर, पंकज, कुणाल सब्रवाल, दिनेश अग्रवाल, चांद शूर, नरेंद्र भारज, सुदर्शन शर्मा, भूषण लूथर सहित पारिवारिक सदस्यों में बेटा गौरव शूर, अमिता साहनी, कावेरी शूर, गौरी बजाज, कमल बजाज सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय शोभा शूर को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। महिंदर पाल शूर जी दे बेटर हाफ गौरव जी दे माता जी साडी बिटिया जिन्ना जिन्ना भी जिन्ना रिश्ता सी बहुत अपने दिल की गहराइया के नाल उन्होंने सातवां दिने हैं कि यह पाना मन के गुजारा होंगे है। इस जिन्हें जिन्हें साथी जोड़े आए हैं पंडित जी ने जी ड्यूटी लाई है कि सब का जो धनवाद धनवाद तो नहीं लवज कहे क्योंकि हर का एक अपना प्यार है जो बनया। पंडित हमें दस रहे थे कि जिस तरह दुख के सम्मिलित होंगे हैं वह दुख घटता है तो सुख के जो कोई सम्मिलित हों सुख बढ़ता है। सुख तो दुख की व्याख्या पंडित जी हमने बड़े विस्तारपूर्वक दस रहे थे। कुछ संस्थावां के जोड़े शोक संदेश दैनिक सवेरा
टाइम के चीफ एडिटर चीफ शीतलवीर जी आप भी आए हैं तो उन्होंने वालों उन्होंने स्टाफ से सारी मैनेजिंग स्टाफ हलचल चैनल से दैनिक सवेरा का भी शोक प्रस्ताव आया है। इस दे नाल टूल एक्सपोर्टर एंड मैनुफैक्चर एसोसीएशन वालों भी जो शोक प्रस्ताव आया है उन्होंने भी धन्यवाद है। जलंधर जीम खन्ना क्लब वालों कुकी बैल जी भी सौरभ फुलर जी भी होर भी जोड़े बॉबी सहगल बाहर मिले मिल सारे इतों होके गए हैं उन्होंने भी शोक प्रस्ताव भेजा होर भी बहुत संस्थावान के शोक प्रस्ताव आए हैं। आत्म प्रकाश बबलू जी बैठे हैं लैफ्ट फॉर्मर गवर्नर साढ़े सर इकबाल सिंह जी जोड़े कि लैफ्टिनेंट जनरल अपना रहे साढ़े गवर्नर पौंडीचेरी के उन्होंने भी शोक प्रस्ताव लैके आत्म प्रकाश जी बबलू गवर्नर नेहरू जी आए हैं। सो कहने का सारे पतवंते सज्जन जोड़े सम्मिलित हुए हैं सारे का तह दिल तो परिवार दलों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो नाल ही उस परम पिता परमेश्वर अगर उस भगवान महाराज किशन भगवान जी के अगर अरदास करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों के नवास बख्शन तो पिछों सारे परिवार को भाणा मनन का बल बख्शन। जय श्री कृष्ण धन्यवाद। दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाकर शांति का संदेश देने वाले भगवान वाल्मीकि जी ने राम कथा के माध्यम से मानव संस्कृति के शाश्वत और स्वर्णिम तत्वों का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जो अनुपम और दिव्य है। इन्हीं भावनाओं को संजोए हुए भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी पंजाब की ओर से भगवान वाल्मीकि मंदिर अली पुली मोहल्ला से त्रिकालदर्शी रामायण रचयिता भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। भक्त जनों ने सुंदर पालकी में सुशोभित भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक होकर परिवार की सुख शांति के लिए कामना की। इस मौके पर महामंडलेश्वर 1008 महंत गंगादास महाराज महंत बाबा राजकिशोर महंत बंसीदास मां बंगलामुखी धाम के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज क्रांतिकारी संत संगतनाथ बाबा जागीर सिंह संत सरवन संत अशोक लंकेश ने विशेष रूप से शामिल होकर भक्तों का मार्गदर्शन किया। शोभा यात्रा का शुभारंभ दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज विधायक राजकुमार चब्बेवाल डीसी विशेष सारंगल पुलिस कमिश्नर संदीप चहल डीसीपी जगमोहन सिंह पूर्व सीपीएस केडी भंडारी पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़ पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया भाजपा नेता इंद्र इकबाल सिंह अटवाल पूर्व विधायक पवन कुमार टीनू पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी अकाली नेता गुरुचरण सिंह चन्नी बीजेपी देहात प्रधान अमरजीत सिंह अमरी जिला प्रधान सुशील शर्मा युवा भाजपा नेता हिमांशु शर्मा पंकज जुल्का हिंद क्रांति दल के प्रधान मनोज नन्ना देवकी नंदन ठकुराल श्रीकंठ जज मनोज अग्रवाल अजय चोपड़ा अश्विनी दीवान हैप्पी राजीव दुग्गल पूर्व पार्षद जगदीश समराय पूर्व पार्षद शैरी चड्डा आप नेता जोगिंदर पाल श्री देवी तला मंदिर के प्रमुख सेवादार सौरभ शर्मा बंटू सब्रवाल बॉबी प्रधान काला फैन भगत सिंह दे प्रधान मुनीश राजपूत गुरदेव सिंह गोल्डी भाटिया भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी पंजाब प्रधान विपन सब्रवाल चेयरमैन पुरुषोत्तम सोंधी महासचिव जतेंद्र निक्का चीफ पेट्रनर शशि शर्मा चेतन नाहर अशोक भील संदीप लकी ने संयुक्त रूप से उपस्थित होकर किया। इस मौके पर भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के पंजाब प्रधान विपन सब्रवाल जतेंद्र निक्का चेतन हांडा की तरफ से संत समाज व धार्मिक सामाजिक राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों को सम्मानित कर उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने कमेटी के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि हमें देश के महाकाव्य रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में दिए गए संदेश को आत्मसात करते हुए समाज की समृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। शोभा यात्रा में शामिल झांकियों ने सभी का मन मोहा और श्रद्धालुओं ने सारे मार्ग में भगवान वाल्मीकि जी की महिमा का गुणगान कर सारे वातावरण को गुंजायमान किया। शिव तांडव ने भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित किया। शोभा यात्रा के मार्ग में भक्तों ने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के अनेकों लंगर लगाकर तथा पुष्प वर्षा कर सभी का स्वागत किया। यह पालकी यात्रा प्राचीन भगवान वाल्मीकि मंदिर अली मोहल्ला से आरंभ होकर भगवान वाल्मीकि चौक श्री राम चौक लवकुश चौक फगवाड़ा गेट भगत सिंह चौक से होते हुए वापिस प्राचीन भगवान वाल्मीकि मंदिर अली मोहल्ला व भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्तिनगर में आरती के साथ संपन्न हुई।
इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के पंजाब प्रधान विपन सब्रवाल, शशि शर्मा, अशोक नाहर, दीपक तेलू, पुरुषोत्तम सोंधी, जतेंद्र निका, आनंद बैंस, चेतन हांडा, राजू नाहर, राजू अंजान, विकी गिल, गौरव कल्याण, चेतन नाहर, लकी बैंस, लकी मनाली, शिव शर्मा, अज्जू सब्रवाल, विक्की सब्रवाल, रामू सब्रवाल, चेतन नाहर, लकी बैंस, लाडी गिल, बॉबी सोंधी, अमित गिल, रमन गिल, अश्विनी सोहोता, हैप्पी सोंधी, बिट्टू सोहोता, सुरेंद्र कल्याण, रिंकू भट्टी, सुरेंद्र बत्रा, बिशनदास सोहोता, बंटी थापर, सोनू कल्याण, पीटर नाहर, अभी सब्रवाल, मोहित नाहर, अभी गिल, विशाल गिल, सुनील दत्त, बॉबी, बंटू सब्रवाल, रिम्पी कल्याण, गुलजार खोसला, पीटर नाहर, बॉबी सोंधी, हरीश, गुरमेश थापर, अजय खोसला, नरेंद्र थापर, डॉक्टर प्रदीप, लकी, अश्विनी थापर, सुखविंदर, राजकुमार गोगा, हंसराज नाहर, चरणदास, बिट्टू सोहोता, सुशील सौंधी, अमनदीप सोहोता, अभिलक्ष्य चुग, सोनू छाबड़ा, सुनील चगी, अशोक शर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की विशेष रिपोर्ट। अज प्रभु पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने प्रगट उत्सव के उपलक्ष्य के जी उत्सव कमेटी वालों शोभा यात्रा हर साल कड़ी जाती है। भगवान वाल्मीकि मंदिर प्राचीन आले महले तौर भगवान वाल्मीकि आश्रम वालों धन्यवाद करते हैं। डी सी साहब का साढ़े बहुत ही सत्कारयोग मेरे प्यारे भरा जगमोहन भाजी जिन्होंने तीर्थ यात्रा या शोभा यात्रा या प्रभु पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का जोड़ा आश्रम के सारे मंदिरों के माला का प्रोग्राम होना जी अहम ड्यूटी जगमोहन भाजी ने रात में जितने भी दिक्कत आई है उत्थे उसी टाइम फोर्सिंग लगाया और अपनी ड्यूटी जी निभाई है जगमोहन भाजी ने और साढ़े बहुत ही सत्कार जो जसबीर जी और साढ़े भरा ने उन्होंने काफ़ी लंबे समय तो शोभा यात्रा के अपनी ड्यूटी निभाई है और साढ़े पूजनीय बाबा निर्मल दास जी जिन्हों का हमेशा ही सारी उत्सव कमेटी के आशीर्वाद रहा अपना तीर्थ यात्रा हो या शोभा यात्रा हो हमेशा ही आशीर्वाद रहा। साढ़े महंत बंसीदास जी हमेशा ही आशीर्वाद दिता मेरी भैन इन्होंने भी हमेशा ही सारे संतोष जी मेरी भैन हमेशा ही सारे आशीर्वाद रखिया और पूजनी सारा संसमान साढ़े बिशन हाथ सोता जी भगवान वाल्मीकि जी के जन्म दिहाड़े से अज जी है शोभा यात्रा कटी जा रही उस वास्ते मैं विपिन सब्रवाल जी को संसवास के सारे संतान कमेटी के सारे श्री भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के सारे मैंबर साहबान बहुत बहुत बधाई देना थानू सारे सामने बैठे साड़िया माताओं भैन बजुर्गों बहुत बहुत बधाई देना है। ये जिहड़ा फेस्टिवल है असी हर साल की तरह इतने ही धूमधाम नाल मनाते रहिए तो इस दे नाल मैं आस करता है परमात्मा तो गुजारिश करता है बेनती करता है दोनों हाथ जोड़ के यह प्रार्थना करता है कि हर साल असी इतने फेस्टिवल मनाते रहिए तो खुशियां साढ़े घर से हर साल इतने ही आदि ने बहुत बहुत धन्यवाद। मैंबर साहब भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के मैंबर साहब डी सी साहब डी सी पी साहब डी जी साहब माता भैन सारे को मेरा सत श्रीकाल नमस्कार ते मैं भगवान वाल्मीकि जी के जन्म दिहाड़े सारे को बहुत बहुत बधाई देना ते आपां सारे एवें मिल के चलीए ते नवा समाज का निर्माण करिए ते मिल बांट के आपां खाईए ते पीसफुल अपने समाज से रहिए यही मैं अरदास करता थैंक यू धन्यवाद बहुत इस पावन मौके से अब जी शोभा यात्रा असं सारे इकट्ठे हुए हैं मैं सारे भैन भरावान वीर बच्चों बहुत बहुत मुबारकबाद दिना कामना करता हाँ कि साडा समूह समाज जिहड़ा सारी तरक्कियां कर परमात्मा
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਫਲੀ ਰੱਖੇ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਮੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਚਨਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਆਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ ਔਰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਅੱਜ ਕਰੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਅੱਜ ਕਾ ਇਹ ਉਤਸਵ ਔਰ ਇਸ ਮਹੋਤਸਵ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵਿਪਨ ਸਭਰਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਇਨਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਸਬਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਧੁਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਜ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਰਤੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। आज के 5-10 साल पहले की शोभा यात्रा और आज की शोभा यात्रा में बहुत फर्क है और आस्था भी बड़ी है। अभी जो यात्रा यहाँ से गई थी भगवान वाल्मीकि जी की अमृतसर के लिए, उसमें लगभग 500 बसें थी, तो धीरे 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 हर साल ये यात्रा बढ़ती चली जा रही है, आवश्यक भी है। देखो भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी पंजाब ਪਿੰਪਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਮੋਜ਼ਿਸ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮਹਾਯੱਗ ਅਲੌਕਿਕ ਇੱਕ ਹਵਨ ਯੱਗੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਹਵਨ ਯੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਨ ਯੱਗ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਹਾਮਈ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਿੰਪਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੇਲ ਜੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕੇਤਨ ਹਾਂਡਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ
ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਪਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦਊਂਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੀਲ ਜੀ, ਚੇਤਨ ਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਹੈ ਤੇ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਿਕਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਿਕਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ, ਡੂੰਘੇ ਸ਼ਬਦ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਸੂਬਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸਫਲ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੀਲ ਜੀ ਦਾ, ਚੇਤਨ ਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸਦੀ ਭਵਿੱਖਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਆਦਿ ਕਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ 28 ਨੂੰ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਧਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੀਲ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਨ ਜੀ, ਧੀਰਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ।
वाल्मीकि जी महाराज जी की भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी जलंधर शहर की एक ऐसी समुची टीम है जिन्होंने पूरे पंजाब के विच साडे जलंधर शहर का नाम रोशन किया। मैं विपिन सभरवाल जी, शशि शर्मा जी, इन्हों की समुची टीम को पिछे जी मैन पावर जिधर जी जिन्हों का आशीर्वाद इन्होंने है हिंदू समाज को सनातन समाज को वधिया सेध देने वाले शीतल बेद जी का बहुत धन्यवाद करता जिन्होंने इन्ना प्यार इन्होंने बच्चों को दिता है। इन्होंने अगों सारे समाज च वंडिया सारे समाज की सनातन समाज की रीढ़ की हड्डी साडी भगवान वाल्मीकि महाराज जी का समूह समाज अज सारे पंजाब के जलंधर शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। पावन धरती साड़ी जलंधर की जिते देखो इदा शूरवीर ने अब जलंधर में इकट्ठा करके कमाला च परो के बीबा जी ने सारे भाईचारे एक स्टेज पर इकट्ठा करके बहुत ही प्यार लै रहे विशाल शोभा यात्रा साढ़े बहुत ही सत्कारयोग विपिन सभरवाल जी ते उन्हां दे सारे साथियों वालों विशाल शोभा यात्रा कढ़ी जा रही है। अज दे इस दिहाड़े ते भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रगट दिवस ते मैं अपने वालों अपनी पार्टी वालों और साडी पार्टी के प्रधान जी ने आ जाना सी मैं उन्होंने जगह मैं अज उन्होंने भेजा अरदास वालों समूह कांग्रेस पार्टी वालों मैं सारे साथियों और सारिया राजनीतिक पार्टियां सारिया धार्मिक शख्सियतों सारू सारी संगत को अज के इस दिहाड़े से बहुत बहुत मुबारकबाद दिता है। और सतसंग जी बड़ा खुशी का दिहाड़ा है, खास तौर पर मैं अपने नौजवान साथी विपिन सभरवाल जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता है कि उन्होंने समाज को जिस तरह एकजुट से एकमुट करके समाज के बच्चे अगे लैके आता है ये मैं समझता कि बहुत वड्डा उन्होंने फर्ज अदा किया, बहुत वड्डी गल है। और जेकर मीडिया की गल करिए तो साढ़े बहुत ही सत्कारयोग विज साहब उन्होंने दास को भी संगत को भी बहुत वड्डा आशीर्वाद है। सो अज के इस दिहाड़े से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दिता है और बस इतने जरूर कहना चाहता है कि भगवान वाल्मीकि महाराज जी उन्होंने हाथ के जोड़ा पेन है वो साड़ी तरक्की का प्रतीक है, साड़ी पढ़ाई का प्रतीक है। सो मैं सारी संगत को ज़्यादा समा ना लेता हुआ बहुत बहुत मुबारकबाद दिना, बहुत बहुत बधाई दिना, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। उच्ची टीम का धन्यवाद जिन्होंने बहुत ही कई दिनों तो परिवारों को नाल लैके दिन रात मेहनत करके पंजाब का एक बहुत बड़ा मील पत्थर स्थापित किया है। अजिहे प्रोग्राम सानू सारिआं नूं जोड़न दे लई, समाज नूं जोड़न दे लई ते समाज नूं इकट्ठा करन दे लई बहुत वड्डा योगदान दिंदे हैं। मैं अपने वल्लों अपने परिवार वल्लों उचेचे तौर ते सरदार चरणजीत सिंह अठाल जी वल्लों क्योंकि वह भी अज प्रोग्राम के लिए अच्छ दो तीन थावान से उन्हें ड्यूटी लगी हुई है उत्थे गए हैं। मैं अपने वालों अपने परिवार वालों से पार्टी वालों सारी लीडरशिप से हाजिरी लवाई है। मैं अज के दिन से सारे लख लख बधाई देना। रवाना हुई सी तो बहुत जी ने अस गुस्सा भी किया कि एडा वड्डा उपराला ताडे सहयोग के नाल ताडे आशीर्वाद के नाल पिंडा पिंडा च जाके दिन रात मेहनत की और वड्डी गिनती च सारिया पिंडा दियां मावां ने भैणां ने धीआं ने एड्डी वड्डी यात्रा कर दित्ती है कि 500 तों उपर बस सी फौजी। इस गल दा रिंकू भाजी नूं कालिया साहब नूं सारे नूं पता ये सारे आए साडे बजिंदर सिंह हमदर जी भी आए और मैं समझदा साडा गुस्सा करना जायज़ है क्योंकि साडी कमेटी दा तुसीं टैम ना असीं ताडे पुत्तर दा साडा गुस्सा जायज़ है। मैं गुस्सा कीता और फौजी कहिंदे विपिन मेरी अखबार च कोई फोटो लगी मैं ठीक नहीं सी जां क्या सीगा दफ्तर पर मैं समझता बहुत जी मेरी कंडीशन इन्नी खराब है ना एटा तुरिया भी नहीं जाता सीगा सवेरे पर मैं पता सीगा ये बहुत जी का लिखा प्रोग्राम है तो संगत को तीन यात्रा से लैके जाना और बहुत जी एक्सपरी का हो गया अगली बड़ी तीन यात्रा से सब तो पहला तुसी है। अज दे इस शुभ दिहाड़े उत्ते
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਨ ਯਗਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜੋ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਲਾਇਆ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰ ਵੱਲ ਨਾਮ ਦੇਂਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਜਾਂਗੇ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾ ਪਿਆ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮ ਲਓ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਆ ਇੱਕ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਇਕੱਠਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਪ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਯੋਜਿਤ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਾਲ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੇ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੇ ਸੁਪਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਨਜਨ ਗਾਲੀਆ ਜੀ ਜੱਜ ਜੀ ਔਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ 10:30-11 ਵਜੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਨੂ ਜੀ ਔਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ दुनिया भर में भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस बड़ी ही धूमधाम एवं श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में जालंधर शहर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग धार्मिक जत्थेबंदियों ने शामिल होकर महर्षि वाल्मीकि जी का गुणगान किया।
इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल और पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर में माथा टेका और विश्व मंगल की कामना की। इस मौके पर उन्होंने सभी को भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव की बधाई दी और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेने की बात कही। इस मौके पर भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के प्रधान विपन सब्रवाल ने आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को सिरोपा देकर विशेष रूप से सम्मानित किया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। भगवान वाल्मीकि महाराज जी का कल जन्म दिहाड़ा हैगा। इस दे उपलक्ष्य असी जिहड़ा साढ़े पूरे जलंधर शहर चे ते जिले चे पूरे इंडिया चे ते पूरे विश्व चे आज जिहड़ा जन्म दिहाड़ा बड़े ही धूमधाम नाल मनाया जाता हैगा। सो इस दे उपलक्ष्य असी अज इत्थे मंदिर ते मत्था टेकन आए। इस दे नाल ही असी वख-वख जिहड़े साढ़े आगू हैगे उन्होंने अपनियां स्टेजां लगाईआं हुंदीआं, असी उत्थे भी जा रहे हैं, सारिआं नूं वधाई दे रहे हैगे। मैं तुहाडे माध्यम राही सारिआं नूं भगवान वाल्मीकि जी के जन्म दिहाड़े ते बहुत बहुत मुबारकबाद देना ते आस करदा हां कि परमात्मा साडी इदां ही निगाह सवली रखे एंड सानू इदां ही मार्गदर्शन करदा रहे। भगवान वाल्मीकि महाराज जी का जन्म दिहाड़े की शोभा यात्रा निकल रही है, उहदे वास्ते मतलब असी मैं ते डीसी साहब मत्था टेकन आए हैं ते असी सारे शहर वासियों वास्ते असी मनोकामना मांगी है भगवान वाल्मीकि जी ते कि सारिआं नूं प्यार प्रेम नाल रखे ते भाईचारे नाल भाईचारक सांझ है वो बना के रखे। जे गल करिए शोभा यात्रा दे विच पुलिस वालों की प्रॉपर इंतजाम किए हुए हैं? साढ़े प्रॉपर इंतजाम है, साढ़े तकरीबन 2000 की फोर्स जी लगी हैगी, सारी ट्रैफिक के प्रॉपर बंदोबस्त है, लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए वो सारे बंदोबस्त असी प्रॉपर किए। अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जालंधर एसटीएफ की टीम ने चार नशा तस्करों को किया काबू, हेरोइन की खेप की बरामद। जालंधर के गांधी कैंप में साले ने साथियों के साथ मिलकर जीजा के घर में घुसकर किया हमला, जीजा गंभीर घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।